हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम आपके लिए लेके आए हैं फायरमैन, राजस्थान फायर सर्विस का फायरमैन पोस्ट पे जो पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था उसका प्रिंट आउट आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। जो ये एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को हुआ था। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं पार्ट ए, सेक्शन टाइटल, टाइम इन मिनट और क्वेश्चन नंबर एक। पार्ट में ए और पार्ट बी 120 क्वेश्चन में से पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट डिवाइड किए गए थे, जिसमें एक में मिला था 36 क्वेश्चन और पार्ट बी में थे 84 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पार्ट ए था वो था हिंदी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मैथ और राजस्थान जीके और भारत का भूगोल। और जो पार्ट बी था 120 जो पार्ट बी था 120 क्वेश्चन में से 84 क्वेश्चन का, उसमें आपको केवल फायर एंड सेफ्टी की जो थ्योरी थी वो आपको मिली थी। तो दोस्तों, चलिए हम आपको आज पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पूरा एग्ज़ाम हम एक साथ आपको लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको पार्ट में एक जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो हवा पार्ट में करवा देंगे और पार्ट ए है वो भी करवा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए इंटेक्शन भी आप देख लीजिए और इसके बाद हम ले चलते हैं आपको पार्ट बी में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट होता है पार्ट बी। तो दोस्तों, 37 क्वेश्चन नंबर 37 यानी पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये पहला था, जल प्रकार के अग्निशामक को कितने वर्षों में दोबारा भरा जाना चाहिए, पहला क्वेश्चन था। तो उत्तर भी दिया गया 2 वर्ष। उसके बाद था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SVWSS, यानी इसकी SVWSS की फुल फॉर्म जो आपको बतानी है वो थी हाई वेलोसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर व्हाइल फ्यूलिंग एन ऑटोमोबाइल इज ड्यू टू, किसी वाहन में ईंधन भरते समय आग लगने की संभावना किस कारण बनती है। तो उसका कारण होता है दोस्तों स्थिति दाह होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड फॉर पोर्टेबल वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी सुबरा जल प्रकार के अग्निशमन का कलर कोड क्या है। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है एमराइट ग्रीन, हल्का क्रीम, फ्रेंच ब्लू, सिग्नल रेड। इसका एग्जिट उत्तर दिया उन्होंने सिग्नल रेड। इसके बाद है, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ईंधन के ऑक्सीकरण से ऊष्मा का धीमा निर्माण होता है और कुछ निश्चित दशाओं में ऊष्मा का निर्माण ईंधन के दहन तापमान तक त्वरित रहता है। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ ओवरहीटिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और लास्ट वाला है स्पॉन्टेनियस इग्निशन। तो सप्त प्रज्वलन इसका उत्तर है। उसके बाद दोस्तों, व्हाट इज द रेंज ऑफ मीडियम एक्सपेंशन फॉर्म, यानी मध्यम विस्तारण फॉर्म की सीमा क्या है। तो इसने दिया है 20:1 से 200:1, इसका एग्जिट उत्तर दिया हुआ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़ी दुर्घटना खतरे वाले उद्योग के हरेक कर्मचारी को कितने समय में कम से कम एक बार सुरक्षा जांच करनी चाहिए। तो इसका इन्होंने उत्तर जारी किया है 12 मंथ। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, 6 मंथ और 12 मंथ में कन्फर्म आप थोड़ा सा कर लीजिए। और अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FFFE का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो दोस्तों फॉर्म है वो फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरोप्रोटीन, फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरोप्रोटीन हो गया। ए जो है एनएसफर, वो एग्जिट एनएसफर है। इसके बाद वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFFF, तो दोस्तों इसका उत्तर है डी में, एक्वाइज फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। उसके बाद है, वाटर सप्लाई फॉर फायर हाइटिंग कैन बी डन बी दिस टाइप ऑफ हाइडेंट सिस्टम, वेट हाइड्रेंट सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम विद पंप, हाइड्रेंट सिस्टम विदाउट पंप, ड्राई हाइड्रेंट सिस्टम। तो एग्जिट इन वेट हाइड्रेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मेथड ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ होज, इनमें से होज बनाने किए गए विधि, नायलॉन पॉलिएस्टर,
नंबर दो ब्रांडेड, नंबर तीन कॉटन, नंबर चार पॉलिस्टर। तो इसका ब्रांडेड ऑप्शन बी ब्रांड एग्जिट आंसर है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फैक्टर डिसाइड द विड्थ ऑफ एग्जिट्स, निम्न में से कौन सा एक है कारक है वो निकास मार्ग की चौड़ाई निर्धारित करता है। तो भोक्ता का भार है, ऑक्यूपेंट लोड है वो डिसाइड करता है। नीचे ऑप्शन बी में दिया मटेरियल इन द बिल्डिंग, यानी भवन में मौजूद सामग्री, फ्लोर या सतह क्षेत्रफल, भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ले चलते हैं, वो श्रमिकों को नेत्र तनाव से बचाने के लिए वर्क रूम की दीवारों तथा छतों को किस रंग से पेंट करना चाहिए, ब्राइट यानी चमकीले रंग से, मध्यम रंग से, हल्के रंग से, गहरे रंग से। तो इन्होंने दिया लाइट, हल्के रंग से। लाइटनिंग अरेस्टर्स को प्राय कहाँ स्थापित किया जाता है, ऑफिस, हाइड्रोकार्बन प्लांट, फूड प्लांट, होम। एग्जिट आंसर हाइड्रोकार्बन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस विधि का प्रयोग घर्षण हानि के निर्धारण के लिए किया जाता है, गणना और विनिर्माता दिशा निर्देश, नंबर ऑप्शन बी क्षेत्र परीक्षण और विनिर्माता दिशा निर्देश, ऑप्शन सी है रूपांतरण विधि और क्षेत्र प्रशिक्षण, और डी है क्षेत्र प्रशिक्षण और गणना। ये बिल्कुल एग्जिट आंसर है डी। उसके बाद आपके लिए चलते हैं, अग्निशमन के उचित प्रयोग के लिए परिवर्णी शब्द क्या है, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर को उसका वो जो कोड होता है चलाने का, यानी पुल एम स्क्विज स्वीप यानी पास। तो ये इन्होंने पास एग्जिट आंसर ए है। उसके बाद है, निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग होज का निर्माण करते समय रा प्रोफिंग उपचार दिया जाना चाहिए, कॉटन, बी है उसका एग्जिट आंसर कॉटन। रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, प्रभाव जांच सिद्धांत और संस्थान। तो जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली संपत्तियों को हटाने या सुरक्षित करने को कहा जाता है, रक्षा परिचालन, नमूना परिचालन, सुरक्षित परिचालन, बचाव परिचालन, साल्वेज ऑपरेशन, डी क्वेश्चन डी आंसर एग्जिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों में आग लगने की आपात स्थिति के दौरान किस निकास मार्ग का उपयोग किया जाना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट, हाइड्रोलिक सिटी, लिफ्ट, आपात निकास द्वार, खिड़की। तो इसका एग्जिट आंसर दिया इमरजेंसी एग्जिट, आपात निकास द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जो आसपास से उसमें ऊर्जा अवशोषित करती है, तो दोस्तों उसका है उसमें उसको कहते हैं उसमें शोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की होती है, समक्षेपी और शोषी अभिक्रिया। तो जो इसका आंसर है वो ये है उसमें शोषी अभिक्रिया एग्जिट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किस प्रकार के अग्निशमक नाजुक मशीनरी था क्लास की आग को, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका, CO2, हेलोन केमिकल और वाटर। जो इसका ए है वो एग्जिट आंसर है। संसाधन सूची से आप क्या समझते हैं, यह कंपनी में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी की सूची है, ऑप्शन बी या किसी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली लेखन सामग्री की सूची है, ऑप्शन सी है यह आपातकालीन स्थिति में आवश्यक उपकरण आपूर्ति तथा सेवाओं जैसे प्रमुख स्थानों की सूची है, यह कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले जलपान की सूची है, ऑप्शन सी है इसका यह आपातकालीन स्थिति में आवश्यक उपकरण आपूर्तियों तथा सेवाओं जैसे प्रमुख स्थानों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 मीटर से अधिक गहरे गर्त को क्या कहा जाता है, सीमित स्थान, सुरंग, खतरा, गुफा। सीमित स्थान है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आग बुझाने या नियंत्रित करने के लिए जल की आवश्यक मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका दोस्तों परिकल्पित घनत्व, आवश्यक परिकल्पित घनत्व, न्यूनतम परिकल्पित घनत्व और अधिकतम परिकल्पित घनत्व। इसका ऑप्शन सी एग्जिट आंसर है इसका सी न्यूनतम परिकल्पित घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक फायर वेंटिलेशन कैसे किया जा सकता है, पंप का प्रयोग करके, खिड़कियां तोड़कर, सी मशीनों द्वारा, ऑप्शन डी में पंखे का प्रयोग करके। तो यह जो है यांत्रिक वेंटिलेशन है वो
पंखे का प्रयोग करके होता है, डी बाय यूजिंग फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोलिक द्रव से आप क्या समझते हैं? तेलीय द्रवों में घुलने वाले पदार्थ, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, क्षारीय द्रवों में घुलने वाले पदार्थ, ऑप्शन सी में है, अम्लीय द्रवों में घुलने वाले पदार्थ, ऑप्शन डी में है, जल प्रकार के द्रवों में घुलने वाले पदार्थ। तो उसका एग्जिट आंसर है दोस्तों डी, जल प्रकार के द्रवों में घुलने वाले पदार्थ। व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ फायर सुपरवेक्शन, अग्निशमन का पहला चरण क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट ने एनएसओ की जारी किया है उसमें उन्होंने आरंभिक हमला दिया है, लेकिन इस पहला चरण अगर मान के चलें तो अगर अपने हिसाब से देखें, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है वो फायर आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, यानी आग की प्रारंभ में आग की पहचान करना ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम हमला करें, तो अगर इस पे भी अगर आपकी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम इज कॉल्ड, एसआई प्रणाली में उस वक्त इकाई को क्या कहा जाता है? पास्कल, जूल, न्यूटन, कैलोरी। इसका एग्जिट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होज हैविंग एन इनर लाइनिंग विद वैल्यूकेजेंट रबर इज, तो वल्क्रीकृत रबर युक्त आंतरिक लाइन वाला होज होता है, रेल्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परकोलेटिंग, ऑप्शन सी नॉन परकोलेटिंग, ऑप्शन डी एम्बेडेड। तो दोस्तों इसका एग्जिट आंसर है नॉन परकोलेटिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, और एक क्वेश्चन पेपर है वो लगभग आपको 3 पार्ट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और देखते हैं दोस्तों लोग कुछ और करवा देते हैं। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उसमें है अग्नि बचाव के अंतर्गत निम्न में से कौन सा डिटेक्टर व्यावसायिक भवनों में मानव जीवन को बचाता है? तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट ए ऑप्शन, बी है इंफ्रारेड, सी है स्मोक, और डी है हीट। तो मानव जीवन को बचाने वाला जो मेनली माना जाता है वो स्मोक डिटेक्टर, सी ऑप्शन एग्जिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टेंडर परिचारिका तकनीकी नाम क्या है? ऑप्शन ए फॉर्म टेंडर, बी है ड्राई केमिकल पाउडर टेंडर, डीसीपी टेंडर, सी है इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर, नंबर डी है वाटर टाइप टेंडर। तो बचाव के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर आपातकालीन बचाव परिचालक, ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत दाब निम्न में किसके बीच के अंतराल द्वारा निर्मित होता है? तो होज और पंप, ऑप्शन बी है नोजल और पंप, ऑप्शन सी है होज और हाइड्रेंट, और ऑप्शन डी है नोजल और होज। तो इनमें उन्होंने बताया कि जो हाइड्रेंट प्रणाली की जो पूर्ण प्रक्रिया है, यानी वाटर टैंक से लेके लास्ट के नोजल तक, तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्नत दबाव है वो किन दोनों के बीच होता है? तो उन्होंने ऑप्शन दिया है नोजल और पंप के बीच, यानी वाटर टैंक से पंप आउटलेट करता है तो सबसे ज़्यादा जवाब वो फेंकता है, और लास्ट जो नोजल के डाई से वाटर निकलता है, तो इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा यानी उन्नत दबाव होता है, ऑप्शन बी है इसका एग्जिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली से लगने वाली आग का मुख्य कारण है? शॉर्ट सर्किट, बी ट्रांसफॉर, सी वोल्टेज, डी धारा प्रवाह करण। ए ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास इज द मेथड द ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, व्हाट डज इट मीन, यानी इसको पास को अग्निशमन के प्रचालन की विधि है, इसका क्या अर्थ है? पास तो दोस्तों इसका पुल द पिन, एम द लो एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द लीवर अबव द हैंडल एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, यानी पिन खींचें, आग के निचले भाग को लक्षित करें, हैंडल के ऊपर स्थित लीवर को दबाएं और आसपास में घुमाएं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 72 यानी आपका आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। 72, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लोकल एक्सोस सिस्टम, स्थानिक विकास प्रणाली का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में ऊष्मा की,
ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स लोकल कॉलिंग यानी स्थानिक शीलता प्रदान करना, नंबर सी है कार्यस्थल से दुष्कों को हटाना, ऑप्शन डी है प्रोवाइड एयर सप्लाई यानी वायु आपूर्ति प्रदान करना। तो इसका एग्जिट आंसर है वो कार्यस्थल से सदुष को उठाना, रिमूव कॉन्टिनेंटल मेंट्स फ्रॉम वर्क प्लेस। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल इसी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।